हारिस रऊफ इज फिनिश, सूरज कह रहे नहीं यार अभी ये तो टू अर्ली हो यार जाएगा। आरिस रऊफ की फिनिश की बात नहीं है, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ गलत हुआ है ना, और 6 महीने आप लीग थोड़ा में सा सकते प्रेशर हैं। में भी है, नहीं नहीं ये बहुत गलत है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, हो गया थोड़ा, मेरा बहुत नहीं हार्श हो गया। गया है, थोड़ा भी नहीं बहुत। ये मुझे ऐसा लगता है किसी क्या के कहने, पनिशमेंट होनी चाहिए किसी के वैसे? कहने पे खार निकाली गई है ये किसी बोल के कहने यार पे, मामले को और वो मुझे पता है, पॉलिसी नहीं लेके और आते और इम्प्लीमेंट कराते, वो क्या आपको ऐसे भी पता होगा? और मुझे भी पता पहले है। पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी बाद में बनी इंक्वायरी नहीं, करके। लेकिन अगर ये कल ये को आपको कोई भी और पता है मना किसी कर के देता कहने पे फिर कि खार, मैं नहीं खेल रहा। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी पहले होनी चाहिए थी, इंक्वायरी पॉलिसी के बाद क्या पॉलिसी होती है यहाँ बने। हाँ यार, ये तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कहाँ पॉलिसी यार होनी मुझे चाहिए। बात अब क्या हारिस सुनो रऊफ को रेस्ट कराना चाहिए, सर, आपका मेरी क्या बात है? सुने, एक तो आपने मैच रेस्ट करवा आपने रहे हारिस हैं। रऊफ पे क्यों वो की बैन लगाया जी, उसने टेस्ट क्रिकेट मना कर दी, ठीक है। वो भाई सबसे पहले गलती तो क्रिकेट बोर्ड की है, आपने टेस्ट खिलाया क्यों उसको, चीफ बिल्कुल सिलेक्टर को, उसको हाँ, पकड़ो ना एक भाई। तो आपने है, उसको टेस्ट मैच की कैप क्यों दी एक तो भाई। इंजर्ड हो गया हूँ। मुझे आज भी अभी फोन आया, मुझे कोई बोले यार तनवीर आ जा यार टेस्ट मैच खेल ले, ठीक है। मेरे जैसा बंदा तो बोलेगा यार नहीं मैं तो नहीं खेल रहा, मेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन जो थोड़ा सा वो बोलेगा हाँ ठीक है चलते हैं भाई खेलते हैं चल के, मेरा कसूर थोड़ी बुला रहे हैं मुझे। हारिस रऊफ ने जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी नहीं थी तो भाईजान उसको टेस्ट कैप क्यों दी, वो तो टेस्ट कैप लेगा, उसको टेस्ट कैप मिल गई है, उसकी कैरियर में तो तीनों उसने डेब्यू कर ली है। तो सही। उसके बाद जब उसने समझा मैं नहीं खेल सकता, उसने टेस्ट नहीं खेला, वो वहां जाके T20 लीग खेलने लग गया। तो ऐसा थोड़ी है एक प्लेयर दो फॉर्मेट खेल रहा, आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी दी और 6 महीने का बैन लगा दिया जी, कोई लीग नहीं खेल सकता। सही है, मैं इसीलिए बोलता हूँ जो रस्से के अंदर है ना प्लेयर्स, उन पे इनको नोटिस देने आते हैं। और हाँ जो क्रिकेट बोर्ड में ही बड़े हीरो बने हुए सारे, ठीक है, बड़े कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए सारे, एक जगह तो कोई रहता ही नहीं है, कभी कोई कहाँ काम हो रहा है, कभी कहाँ काम हो रहा है, उन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। डोमेस्टिक खिलाने अच्छा पे जी जोर ये लगाओ कह रहे हैं ना, कि मोहम्मद टेस्ट हारिस मैचेस भी खेलेगा। विदाउट एनओसी लीग खेलने गए थे, तो हारिस रऊफ पे एक्शन, क्योंकि मोहम्मद हारिस तो वापस आ सर गए आप थे, उसके साथ मैच जो नहीं खेला था आप उन्होंने, उसके समझ साथ नहीं जो है क्या हुआ मैं था। कसम से यार मैं मोहम्मद हारिस ही श्योरिटी पे गए थे कि उनको एनओसी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो यार वापस आ बहुत गए। बहुत बहुत हल्के बच्चे हैं आजकल के, बहुत हल्के बच्चे हैं। ये मेरे साथ होता ना मैं तो करता साइड पे, चल भाई निकल इधर से, मेरे पर लीगे बहुत है, मैं तो खेलूंगा लीगे कसम से। आप जरा अपना तप्पड़ तो दिखाओ, तो भाई मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, आओ तो सही तरह। इनको भी ऊपर भी प्रेशर डालो ना, एक जो अच्छा मैं बाबर एक बात आजम, एक बताऊं, जो वर्ल्ड कप में बाबर के साथ हुआ, इसकी जगह मैं होता या मेरे टाइप का बंदा, उसने वहीं रिजाइन मारना था और पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती करवानी थी, जो कि बहुत अला काम होना था। ये हारिस रऊफ वाला, ओए भाई ठीक है उसकी मार लग रही है सब कुछ है, लेकिन भाई उसने परफॉर्म किया वह पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसको साइड पे कर दी, सेंटर कॉन्टर खत्म ये वो, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा ये इसलिए भी हुआ कि वो बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे, बस और क्या। थोड़ा बहुत फॉर्म में भी होते ना तो ये प्रेशर में होता पीसीबी के, यार नहीं ये डिसीजन करना मुश्किल है, यार मुझे वो एक चीज पूरा बताओ, वर्ल्ड कप एशिया कप सब कुछ मुझे ही एक चीज बेकार जा रहा है बताओ, उनका। क्या वो उसको शौक है हो रहा है कि लोगों के बीच में मार खा रहा है वो ग्राउंड में, उसको शौक है